कल आप लोगों ने कथा सुना था, ध्रुव जी महाराज की कथा। 5 वर्ष में ध्रुव जी महाराज को भगवान की प्राप्ति हो गई। तो कभी कभी कुछ लोग सोचा करते हैं कि क्या बचपन में या बुढ़ापे में भगवान के भजन करने की जरूरत है क्या? अभी समय गुरु मंत्र लेने का नहीं है। तो बोले कब लोगे? बोले अभी समय नहीं है। गुरु मंत्र लेने का समय, भगवान की भक्ति करने का समय, भगवान की पूजा करने का समय इस जीवन में कभी ऐसा नहीं है कि कभी भी इसके लिए कोई समय निर्धारित किया गया है। भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा, नियम व्रत आप कभी भी जीवन में इसको धारण कर सकते हैं। विचार करने के लिए जरूरी है हमको इन कथाओं से ज्ञान क्या मिलता है। केवल कथा सुनने का महत्व तो नहीं है, कथा सुनने का मतलब है ज्ञान प्राप्त होना। हमें वो ज्ञान मिले कि क्या जब ध्रुव जी महाराज को 5 वर्ष की अवस्था में भगवान मिल सकते हैं, तो क्या हम भगवान को भजन के प्रताप से भगवान को प्रकट कर सकते हैं? क्या हम भगवान की भक्ति करके भगवान के मार्ग तक नहीं पहुंच सकते हैं? महाराज बोले अभी तो पोता आपको पैदा हो चुका है, अभी मंत्र लेना है। बोले हाँ महाराज, मंत्र तो लेना था, लेकिन ये पोता हमको परेशान बहुत करता है। अभी रहता है तो हमको परेशान कर देता है, कोई मंत्र जब तप नहीं हो पाएगा। थोड़ा ये भी बड़ा हो जाता, नहीं तो माला वाला खींच लेगा, परेशान करेगा। तो बोले ठीक है, पोता बड़ा हो जाना। धीरे धीरे पोता भी बड़ा हो गया, बड़ा हुआ। फिर महाराज जी आए, बोले महाराज अभी तो पोता बड़ा हो गया है, मंत्र दीक्षा ले लीजिए। बोले हाँ लेना तो है, लेकिन सोच रहे हैं पोता की भी शादी हो जाती, देख लेते अपनी आंखों के सामने। यही हमारे मन में विचार था, फिर बाद में तो दीक्षा लेना ही रहेगा, तो कभी भी ले लेंगे। बोले ठीक है। समय व्यतीत हुआ, संजोग कुछ ऐसा बना कि पोते की शादी तो नहीं हो पाई, लेकिन बाबा जी का प्राणांत तो हो गया और बाबा जी चल पड़े। और बाबा जी जब चले गए तो अंते मति सा गति, जो मति रहती है मनुष्य के अंत में वही गति होती है। तो उनके मन में बात बनी रही कि मैं इसी कुल खानदान में रहा, इसी कुल खानदान में मेरा जीवन बीता है, और मरते मरते उनको अपने नाती पोता की याद आ गई, क्योंकि शादी नहीं करवाए थे। तो भगवान की ऐसी कुछ कृपा बनी कि फिर से बाबा जी का उसी घर में जन्म हो गया। और उस घर में जन्म हुआ तो गाय के पेट से हुआ, तो वो जब जन्म लेकर के आए तो उनके घर में बैल के रूप में आ गए। बैल के रूप में जब उनका जन्म हुआ, बैल के रूप में आ गए तो बछड़ा बहुत अच्छा दिखाई दिया। नाती विचार करने लगा कि ये बछड़ा बहुत अच्छा है, अब इसको मैं खिला पिला करके और हल जोतने के लिए व्यवस्था बनाऊंगा और हल जोतूंगा। तो उसकी जोड़ भर दिया, धीरे धीरे बछड़ा बड़ा हुआ, अब हल जोतने की तैयारी करने लगा पोता। अब डंडा लेकर के बढ़िया मजबूत और हल चलाने के लिए खेत पर लेकर के गया, तो बाबा जी देखे ये तो वही खेत है जिस खेत पे हम आकर के यहां पर हल चलवाते थे, और ये हमारे पूर्वजों की जमीन है। अब यहां पर मैं बैल बन करके तो हल नहीं चलाऊंगा, ये बाबा जी संकल्प ले लिए और वहीं मेड़ को प्रणाम करके किनारे पर बैठ गए। अब उठाना शुरू कर दिया तो बाबा जी काहे को उठे, तो बैल बाबा उठी नहीं रहे। अब नाती वो पोता सोचने लगा कि इसको इतना खिलाया पिलाया, और जब हल जोतने का खेत का टाइम आ गया तो यहां से ये उठ ही नहीं रहा है। तो ही जो हाथ में लिया हुआ था डंडा निकाला और बाबा के पीठ पे लगा शुरू होने, कम से कम 1000 डंडा मारा होगा, लेकिन बाबा टस से मस से हिले नहीं वहां से। बाबा जी जैसे के तैसे बैठे रह गए, बाबा जी नहीं हिले।
तो जब नहीं हिले फिर भी मारता रहा, बहुत मारा, बाबा जी ने विचार किया कि मार मार के तू मार डालेगा तो भी, लेकिन मैं उठूंगा तो नहीं, चाहे जितना मार दे। संजोग बना कि बाबा जी घूमते घूमते वहीं से जा रहे थे और वही पोता लेकर के डंडा बराबर लगा रहा था। बाबा जी पहुंचे और बोले, भाई क्यों मार रहे हो? उसको क्रोध आ गया, बोले आप समझते नहीं है, हल जोतने के लिए बैल तैयार किया और ये जब जोतने का नंबर आया तो बैठ गया, गरियार बैल बोलते उसको, और बैठ गया तो जब नंबर आया तो जोतने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है, तो मारेंगे नहीं तो क्या करेंगे, जाओ यहां से। बाबा को डांटने लगा। बाबा जी बोले, तुम्हारे बैल को उठाने की मेरे पास ताकत है। अरे बोले, मार मार के डंडा हालत खराब कर दिया तब तो उठे नहीं, बड़े बाबा चले आए उठाने वाले, तुम क्या उठाओगे? अरे बोले, मेरे पास में ताकत है बैल को तुम्हारे उठाने के, नहीं उठा दिया तो बताना। बोले, अगर नहीं उठाए तो तुम्हारे ऊपर भी डंडा चलेगा, समझ लो। बोले, आप 2 मिनट के लिए दूर जाओ और अभी मैं बाबा जी के पास पहुंचता हूं, बैल के पास तुरंत उठ के खड़ा हो जाए। बोले, अच्छा ठीक है। गए वहां पर, संत महाराज पहुंचे और बैल के कान में बोले, बोले अभी दीक्षा लेना है कि और कुछ बाकी है? बाबा जी बोले कि नहीं, अब तो ले ही लेना है, अब नहीं बाकी रह जाएगा। बोले, अभी इतना मार खाया हूं, इसके बाद थोड़ी बचेगा। बोले, अभी मंत्र लेना है? बोले, अब तो लेना है, ले लो। तो वही बैल के कान में बाबा जी ने उसी समय मंत्र दे दिया और वह मंत्र को जपने लगे। वो मंत्र को बाबा जी वहीं पर जपना शुरू किए। अच्छा, एक पहचान आपको बता देता हूं, कैसे मालूम करोगे कि आपके घर में शायद कोई बैल बन के आ गया हो, आपके पूर्वज कोई आ गए हो। जानवरों के रूप में भी कोई पूर्वज जन्म लेकर के आ जाता है, उसकी कैसे पहचान करेंगे? आज भी लोग जब पशु पालन करते हैं तो कुछ जानवर घर में रहने वाले वो अपने खूंटा पर दूमा करते हैं, उनकी आदत होती है, वैसे दूमते रहते हैं, वैसे ऐसे करता रहेगा, वो माला जप रहा है। जो मंत्र लेने से रह गया था, जो मंत्र दीक्षा नहीं ले पाया, वो दीक्षा लेकर के बैल बन करके माला जप रहा है। इसलिए भगवान के भजन और भक्ति करने का कोई समय नहीं होता है। आप भगवान की भक्ति और भगवान का भजन कभी भी कर सकते हैं और बैल की दशा में ना आना पड़े, दुर्दशा ना हो कि कोई नाती पोता मार के डंडा हालत खराब कर दे। इसलिए पहले से सचेत होकर के, जागृत होकर के ईश्वर का मार्ग पकड़ लो।